हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम जो थ्री सम प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक एरे गिवन है नंबर्स की और आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है या आपको अपने प्रोग्राम इस तरह करना है कि आपको जो एरे दे रखी है उसके अंदर जो ग्रुप्स है तीन नंबर के जिनका कि सम जीरो हो रहा है, आपको ऐसे सारे ग्रुप्स फाइंड करने हैं। तो आपको एक एरे गिवन होगी जिसके अंदर खूब सारे नंबर होंगे और आपको तीन तीन के जितने भी ग्रुप्स हैं सारे आपको फाइंड करने हैं ऐसे जिनका कि सम जीरो हो जा रहा हो और जो नंबर्स हैं वहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। तो जो आज मैं इसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम यूज़ करूँगा वो बेसिकली डिस्टिंक्ट नंबर के लिए ठीक से काम करता है। अगर हमारे एरे में सारे नंबर डिस्टिंक्ट है उसके लिए वो एल्गोरिथम ठीक काम करता है। हम आज डुप्लीकेट नंबर के लिए भी उसी एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, बस उसमें कुछ चीज़ें और एड हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। फिर अभी आपको मैं दिखाऊंगा कोड के टाइम क्या किस तरह एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज़ करके जो हमारा एल्गोरिथम है उससे डुप्लीकेट नंबर के लिए भी रिज़ल्ट निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ इनिशियली, जिसमें हमें फाइंड करना होगा ट्रिपलेट्स जिनका कि सम ज़ीरो होगा। तो इनिशियली मैं सपोज इसमें एलिमेंट रख लेता हूँ 1, -2, -3, 2, -3 और सपोज 1। तो ये हमारी एरे में एलिमेंट्स हैं और इसका साइज़ 6 है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं एल्गोरिथम अभी अप्लाई करने वाला हूँ उसमें हम डायरेक्टली डुप्लीकेट नंबर्स के लिए उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एरे में एक से ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं पहले इसमें से जो डुप्लीकेट्स नंबर है उसे रिमूव करूँगा और फिर उस जो बची हुई एरे होगी उस पर मैं अपना एल्गोरिथम अप्लाई करूँगा और जो डुप्लीकेट नंबर है उसको हम बाद में देखेंगे उसको हम कैसे डील करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ और वेक्टर के लिए यहाँ पर मैं हेडर फाइल इसकी इंक्लूड कर देता हूँ और इस वेक्टर में मैं अपनी जो एरे है उसे इंसर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एरे की का नाम जो स्टार्टिंग है ए और ए प्लस एन यहाँ पे भेज दूंगा ऐसे। तो ये जो जो ए है वो हमारा एरे का स्टार्टिंग वो जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस और यहाँ से ए प्लस एन जो एरे का एंडिंग एड्रेस है वो जाएगा। तो ये हमारी जो वैक्टर है मैंने वैक क्रिएट किया, इसमें पूरी एरे हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब मुझे इसमें से डुप्लीकेट हटाने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पहले रिसाइज फंक्शन का यूज़ करूँगा और रिसाइज फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है यूनिक वी डॉट वेक डॉट बिगिन ये हमारे वेक्टर का बिगिनिंग और वेक्टर का एंड हम पास करेंगे तो ये इस रेंज में जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे उन्हें रिमूव कर देगा। और ये जो यूनिक फंक्शन है वो जो कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट आते हैं उन्हें रिमूव करता है। तो इसलिए मैं जो मेरी वेक्टर है इसको पास करने से पहले मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि जो सेम नंबर्स है वो एक साथ आ जाए। तो सॉर्ट के साथ भी ऐसे ही सेम, सॉर्ट के अंदर मुझे ऐसे ही वेक्टर की बिगिनिंग और वेक्टर का एंड पास करना होगा। तो यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन उसे सॉर्ट कर देगा और जो सॉर्ट फंक्शन होता है उसकी हेडर फाइल मुझे इंक्लूड करनी होगी। हैश इंक्लूड एल्गोरिथम और जो रिसाइज फंक्शन है इसमें हमें बताना होता है कि किस जो साइज है इसका। तो जो यूनिक फंक्शन है ये सारे जो डुप्लीकेट्स उन्हें रिमूव करने के बाद जो हमारी एरे में लास्ट एलिमेंट बचेगा वहाँ तक का साइज देगा ये, माइनस अगर हम इसमें से वेक डॉट बिगिन कर देते हैं तो ये जो जितने एलिमेंट्स बचे हैं और लास्ट एलिमेंट का इटरेटर देगा और ये वेक डॉट बिगिन हमारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका इटरेटर देगा। तो इन दोनों को सेपरेट करके जो हमारा साइज़ होगा बची हुई एरे का डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद वो आ जाएगा और ये हमारा रिसाइज फंक्शन उसे उस साइज़ में कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारा वेक्टर है उसमें से डुप्लीकेट रिमूव हो चुके होंगे तो मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ।
कि हमारे वेक्टर्स है जो डुप्लीकेट से अब रिमूव हो चुके हैं। तो कंपाइल हो गया, से रन करता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए हमारी एरे में अब एक भी डुप्लीकेट नहीं है। पहले हमारी जो एरे थी 1 -2 -3 2, इसमें 1 रिपीट हो रहा था, -2 नहीं -3 रिपीट हो रहा था। तो सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए हैं और ये हमने एक वेक्टर में डाल के, वेक्टर्स के ऊपर हमने जो एल्गोरिथम्स है उन्हें अप्लाई करके किया है इसे। अब आगे चलते हैं, अब हम इस वेक्टर पे अपना जो एल्गोरिथम है उसे अप्लाई करेंगे ट्रिपलेट फाइंड करने वाला। तो उसके लिए सिंपली मैं एक लूप चलाऊंगा, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन वेक डॉट साइज तक। तो ये सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करूंगा मैं, और लूप के अंदर आने के बाद मैं दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर करूंगा। पहला एल है लेफ़्ट साइड मेरी एरे का, ये आई प्लस 1 होगा, और दूसरा आर है राइट, ये जो वेक डॉट साइज है उससे एक कम -1। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट और राइट हो गया है इनिशलाइज। अब हम सिंपली एक वाइल लूप में चेक करेंगे जब तक एल हमारा राइट से छोटा है। तो अभी हमारा आई यहाँ पे फिक्स हो गया है, और आई के बाद आगे के जो पार्ट है हमारी एरे का उसमें हम मूव करेंगे एफिशिएंटली इस तरह कि हमें जो ट्रिपलेट है वो मिल जाए। तो यहाँ पे लूप के अंदर आने के बाद मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सम, जो कि हमारा सम स्टोर करेगा। तो सम किसके इक्वल होगा, पहला तो ए आई जो हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है आई इस लूप के अंदर आने के बाद, प्लस ए एल और जो यहाँ पे मैंने एल इनिशियलाइज किया है, प्लस ए आर। तो इन तीनों एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा, और यहाँ पे ए नहीं सॉरी वेक होगा, क्योंकि हमने अभी जैसे देखा कि हमने वेक्टर में अब अपने एरे के एलिमेंट्स को डाला है ताकि हम उसे रिमूव करके उस पर अपना एल्गोरिथम अप्लाई कर सकें। तो हमारा सम स्टोर हो जाएगा इसमें। फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सम 0 है, मतलब कि हमें अपना ट्रिपलेट, पहला ट्रिपलेट मिल गया है, तो यहाँ पे हम जो ट्रिपलेट है उसे प्रिंट कर देंगे। तो सपोज़ मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ उसे ताकि वो ब्रैकेट में कॉमा के साथ आए अच्छे से देखने में। तो पहला एलिमेंट होगा इसका वैक आई, क्योंकि इन तीनों का सम, इन तीनों एलिमेंट का सम 0 हो रहा है, तो यही तीनों हमारे ट्रिपलेट के एलिमेंट्स होंगे। वैक ऑफ एल और वैक आर, और इसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे जो ट्रिपलेट्स हैं वो प्रिंट कर देगा। और ट्रिपलेट्स प्रिंट करने के बाद आगे के और ट्रिपलेट्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एल को प्लस प्लस कर देंगे और आर को माइनस माइनस कर देंगे। तो ये एल और आर थोड़े और क्लोज हो जाएंगे, और उस जो नई रेंज आएगी उसमें हमारे ट्रिपलेट को फाइंड करेंगे। और यहाँ पे हमारे इस लूप के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारा आई है, ए आई है, वो फिक्स है इस लूप के अंदर, क्योंकि आई की वैल्यू जब इस लूप से वापस बाहर जाके जब आएगा तब चेंज होगी। लेकिन इस लूप के अंदर के जो ये वाइल लेस एल लेस देन आर वाला लूप है, इसके अंदर आई की वैल्यू यानी ये जो वैक आई एलिमेंट है वो फिक्स्ड है, बाकी के दो एलिमेंट्स हम इसमें फाइंड कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर सम हमारा इक्वल नहीं है तो दो केस होंगे, या तो सम लेस देन 0 होगा, तो अगर सम लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो सम है उसमें जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं यानी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो कि सम को नेगेटिव बना रहे हैं। तो हमें अपने एल को इंक्रीमेंट करना होगा ताकि हम जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें अपने सॉल्यूशन सम में से निकाल सके। तो इसलिए यहाँ पे मैं सिंपली एल प्लस प्लस कर दूंगा, यानी लेफ्ट साइड से मैं आगे आ गया हूँ थोड़ा, ताकि छोटे एलिमेंट्स निकल सके, क्योंकि हमारा सम वो नेगेटिव बना रहे हैं। और अगर सम नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कि जो राइट साइड पे एलिमेंट है जो कि बड़े एलिमेंट्स हैं वो हमारे सम को ज़्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं, तभी हमारा सम ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉर्ट करने का मकसद था वेक्टर को, वो इसीलिए था कि हम जो यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं कि कब हमें लेफ्ट से इंक्रीमेंट करना है, कब हमें राइट से पीछे आना है, तो वो सॉर्टिंग की वजह से हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लेफ्ट साइड में छोटे नंबर हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, और राइट साइड में हमारे बड़े नंबर्स हैं। तो
तो अगर हमारा सम छोटा होता है, लेस देन जीरो होता है, तो यानी हमें राइट की तरफ मूव करना है लेफ्ट से, ताकि हमारे सम में से छोटे एलिमेंट्स निकल सके और हमारा सम जीरो की तरफ अप्रोच कर सके। और वैसे ही अगर हमारा सम बड़ा होता है तो हमें राइट से मूव करना है लेफ्ट की तरफ, ताकि हम बड़े नंबर्स को निकाल सकें अपने सम में से, ताकि हमारा सम का मैग्नीट्यूड छोटा हो और वो जीरो के इक्वल हो सके। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, ये हमारे ट्रिपलेट्स जो है वो प्रिंट कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया है मैंने आउटपुट ऑपरेटर। चलिए अब कंपाइल करते हैं इसे। तो कंपाइल हो गया है, तो यहाँ देखिए जो एक ट्रिपलेट प्रेजेंट है, माइनस 3, 1 और 2, इसका सम जीरो हो रहा है। इसके और इसके अलावा और दूसरे ट्रिपलेट नहीं है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट जो नंबर्स हैं उनको हम हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रिपलेट प्रिंट कर रहा है। तो चलिए अब डुप्लीकेट जो एलिमेंट्स हैं उनको हैंडल करते हैं। तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं माइनस 3 और जैसे हमने देखा माइनस 3, 2 और 1, तो माइनस 3 और 2, 1 अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमारे सिर्फ नंबर ऑफ़ ट्रिपलेट्स पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रिपलेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने होंगे टोटल? तो यहाँ पे माइनस 3 और 2 और 1 अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम सिंपली माइनस 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है और 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, इन तीनों का अगर हम आपस में काउंट जो इनके हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे जो नंबर ऑफ़ ट्रिपलेट हैं माइनस 3, 2, 1 वो कितने वो आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक हैश टेबल का यूज़ करूँगा। और हैश टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप की हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर मैप क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें कि जो हम अपना की लेंगे वो इंट टाइप का होगा और जो इस पर वैल्यू स्टोर होगी वो भी इंट टाइप की होगी। और इसको सपोज़ मैं नाम दे देता हूँ काउंट, क्योंकि हम इसमें काउंट स्टोर करेंगे अपने एलिमेंट्स का जो रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे चलिए मैं एक लूप के अंदर जो काउंट है सारे एलिमेंट्स का स्टोर करा लेता हूँ। तो ये जो हमारा एरे है हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। तो इसमें जो काउंट है उसमें जो हमारा की है जो AI एलिमेंट है वो होगा, और हर बार जब ये एलिमेंट रिपीट होगा हमें काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। तो जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारा काउंट है वो स्टोर कर रहा होगी कौन सा एलिमेंट कितने बार आ रहा है। और यहाँ पे हम सिंपली अब प्रिंट कर देंगे कि कितने एलिमेंट्स कितने ट्रिपलेट्स हैं ये जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है अगर हम डुप्लीकेट नंबर होते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम सिंपली जो ये वैक आई कितने बार आ रहा है अपने हमारे एरे में, और वैक एल कितने बार आ रहा है हमारे एरे में, और वैक आर कितने बार आ रहा है हमारे एरे में, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये जो वैक आई इंटू वैक एल इंटू वैक आर ये कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ़ ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ट्रिपलेट। तो यहाँ पे जो रिपीटेड नंबर्स हैं हमने उसको भी डील कर दिया है, क्योंकि रिपीटेड नंबर के लिए ट्रिपलेट तो वही रहेगा, बस ट्रिपलेट जो है उसका काउंट बढ़ जाएगा, एक से ज़्यादा ट्रिपलेट होंगे, सेम ट्रिपलेट एक से ज़्यादा बार होंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल हो गया है, इसे रन करते हैं। अब माइनस 6 यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, ये हमारा काउंट जो है उनको मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि जो हमने हैश टेबल बनाई है वो काउंट है उसका नाम। तो यहाँ पे वैक का ही नहीं सिंपली काउंट आएगा, क्योंकि काउंट जो है हैश टेबल वो स्टोर कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो कितने बार आ रहा है। अब ये सही आउटपुट देना चाहिए। तो यहाँ ये बता रहा है देखिए कि माइनस 3, 1, 2 ये हमारे ट्रिपलेट है जिनका कि सम जीरो हो रहा है, और कितने 4 ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ एक बार चेक करते हैं, तो देखिए माइनस 3, 2 और 1 ये एक ट्रिपलेट बन गया, माइनस 3, 2 और 1 ये एक ट्रिपलेट बन गया,
और माइनस थ्री ये वाला, और टू और वन ये दूसरा ट्रिपलेट बन गया, माइनस थ्री टू और ये वाला वन ये तीसरा ट्रिपलेट बन गया, और अगर हम इस वाले माइनस थ्री और वाले टू और इस वाले वन को कंबाइन करते हैं तो ये चौथा ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ पे चार ट्रिपलेट सही बता रहे हैं। अब सपोज़ मैं एक बार इसे एक वन को ज़ीरो कर देता हूँ और अब चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारे प्रोग्राम में माइनस थ्री वन टू के दो ट्रिपलेट हो गए अब, और माइनस टू ज़ीरो टू का एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डुप्लीकेट नंबर्स के लिए भी काम कर रहा है, अगर एक से ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहे हैं और कितने नंबर्स हैं हम यहाँ पे एफिशिएंटली फाइंड कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो ये तरीका समझाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसे खुद ट्राई करके देखिएगा ताकि आप कुछ और अच्छे से क्लियर हो। धन्यवाद।